प्राचीन काल में देवी देवता एकांत में शुशान में रहते थे। उनकी मौजूदगी इन पहाड़ों को भी स्वर्ग बनाती थी। जब पहली बार धरती और आकाश बने, तब जीवन शक्ति दो हिस्सों में बट गई। अच्छी शक्तियों को आसमान मिला और वो अमर हो गए। वहीं बुरी शक्तियां असुर बनकर पाताल में समा गई। देवी देवता इंसानों की खुशहाली चाहते, वही असुर इंसानों को परेशान करके दुनिया को अशांत करते। क्या मैं मारा जाऊंगा? केल्विन, मेरी शिक्षा भूलो मत, ध्यान में रखो। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। फैंटियन, 500 साल हो गए, अब वक्त है कि ये सब खत्म हो जाए। इन 500 सालों में तुमने अपनी बुराई नहीं छोड़ी, तीनों लोक में हाहाकार मचाया। आज हम तुम्हारा इंसाफ करेंगे और दुनिया में हमेशा के लिए शांति कायम करेंगे। मैं बुरा हूँ? तुम सारे के सारे अमर हो, अमर, और हम असुर। एक बार जो कोई बुराई के रास्ते मुड़ गया, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं होता। मार दो, सबको मार दो, अमर होने की गलतफहमी दूर कर दो। मारो, 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 मारो। आक्रमण! याद रहे, कोई भी ना बचे। Whoa!
एशियन मिरर, खुल जाओ। एशियन, अपनी शक्तियों को खत्म करके मेरा नाश कर रही हो, तुम भी मेरे साथ नष्ट हो जाओगी। ध्यान से सुनो कुन्लुन, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी मास्टर। मास्टर हमें छोड़कर मत जाइए। नादान, इस तरह रोते नहीं, अपनों की सुरक्षा के लिए, उन्हें बचाने के लिए प्राणों का त्यागना जरूरी है। केल्विन, वचन दो। इंसान भले ही कितना ही छोटा क्यों ना हो, उसकी सुरक्षा तुम अपने प्राण देकर भी करोगे। जी 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 मास्टर। मास्टर 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 पवित्र फैंटियन ने असुरों की ताकत को कैद किया अपने फैंटियन मिरर में। फैंटियन के इस मिरर को कुन्लुन में रखा गया। जिंगहोंग ने फैंटियन मिरर को महफूज रखने के लिए एक व्यूह रचना बनवाई, जिसकी हिफाजत कुन्लुन की पीढ़ी दर पीढ़ी को सौंपी गई, ताकि दुनिया में इंसानियत कायम रह सके। पहाड़ों के बीच कब्रिस्तान के नजदीक चारों तरफ पानी और हर तरफ बहती हवा, यही वो अपशकुन जगह है जहाँ पर कैच स्पिरिट भटकती है। सब लोग हर वक्त चौकन्ने और सावधान रहना। हाँ। कैच स्पिरिट बहुत ही ज्यादा चालाक है, उसे कम बिल्कुल मत समझना। हर वक्त चौकन्ने रहना, पलक झपकते कुछ भी हो सकता है। ठीक है, समझ गया। केल्विन, जरा उसे देखो, उस औरत की आंखें कितनी तेज है और उसके हाथ में जो हथियार है वो कितने धारदार हैं। उसकी हरकतों में चपलता और खतरा तो साफ साफ झलक रहा है। मुझे लगता है यही कैट स्पिरिट है। केल्विन, क्या है? ये तो बुरा मान गई। चल चल चल। हाँ चल। हे वहां पर देखो, इसकी आंखें तो देखो कैसे मासूमियत से देख रही है।
देखा कैसे भोली बनने का नाटक कर रही है। मुझे लगता है यही कैट स्पिरिट है। चल हाँ। मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। बेवकूफो चलो यहाँ से। तुम क्या सोच रहे हो? एक बात पे गौर किया, इस गांव में मर्द नहीं है। लगता है कैट स्पिरिट ने सभी मर्दों को मारकर उनकी एनर्जी सोख ली है। जब भी यहाँ कोई मर्द आता है, कैट स्पिरिट उसे सूंघते हुए आ जाती है। तो हम में से एक उसे फंसाने के लिए यहाँ पर रुकेगा। ये झंडा देख रहे हो, कैट स्पिरिट के यहाँ आते ही ये चमकने लगेगा। वाह, क्या प्लान है। लेकिन दोस्तों, बलि का बकरा कौन बनेगा? कहाँ गए? हम तुम्हें बचा लेंगे। आने दो, उसे मैं देख लूंगा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम, अरे उठो उठो उठो, वो देखो आ गई, जल्दी से देखो। आजा, तुम क्या कर रहे हो? क्यों ना हम अकेले में कहीं मिले? अकेले में क्या करेंगे? एक बदतमीज लड़की, चलो जाओ यहाँ से। इस झंडे को हिलाना बंद करो, जाओ यहाँ से। केल्विन, तुम कहो तो मैं उसकी मदद करने जाऊं। वो थक गया होगा, उसकी जगह मैं चला जाता हूं। नहीं, बैठो बैठो। तुम्हारी एनर्जी हम सबकी एनर्जी से कम है। इसका मतलब उसके लिए हम बकरे थे। चलो उसका पीछा करते हैं। मेरे वार से वो घायल हुई है, आसपास ही होगी। सबकी सब बच गए। पकड़ो, तुम थक गए होगे, आराम करो, मैं इसे देखता हूँ। छोड़ना मत इसे। तू हमसे पंगा लेगी? हाँ, हमसे पंगा लेगी, जानती नहीं हमें। ये ले, ये, 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 ये। तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। तुमने उसकी रस्सी बांधी? हाँ? नहीं तो मुझे लगा तुमने बांधी होगी। मैंने तुमसे कहा था ना, मैं भूल गया। Yeah.
ये क्या इमाई गुरुकुल की शिष्या, ये काम तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे हम पर ही छोड़ दो। कुनलून की लड़की तो कोई काम की नहीं, इसीलिए तो सब हमें करना पड़ता है। हम कैच स्पिरिट को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम तो उसके साथ खेल रहे थे। हाँ क्या सच में? चलो हम भी खेलेंगे। नहीं आज हमें एक जरूरी काम है, किसी और दिन खेलेंगे। रुको, कैट स्पिरिट को यहीं छोड़ो, उसे हमने पकड़ा है। वो कैट स्पिरिट कुनलून की नहीं है, हमने उसे पकड़ा है, वो हमारी है। केल्विन सुन क्या रहे हो तुम, जवाब दो ने। देखो कैट स्पिरिट को चुपचाप छोड़ दो, वरना यहाँ से सही सलामत नहीं जा पाओगी। रुको मैं देखता हूँ, अब देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। अरे मर गया रे, बचाओ मुझे, बचाओ। केल्विन, लड़कियों को बल से नहीं समझाया जाता, उन्हें समझाने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करो। केल्विन, मेरा दिमाग फेल हो गया। तीन तक गिनूंगा, उससे पहले छोड़ दो उन्हें। रुकिए सिस्टर, मैं देखती हूँ। तुम्हें पता था ना मेरी कमर में मोच है, फिर भी मुझे लात मारी, वो भी मेरे चेलों के सामने, क्या इज्जत रह गई मेरी। शीना को पहले से ही मुझ पर शक है, उसे हम दोनों के बारे में पता चल गया तो हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे। पहले तुम कुनलून के मास्टर बन जाओ। कुनलून का मास्टर? मैं मास्टर कैसे बन सकता हूँ? मैं तो जरूर एक दिन इमाई की मास्टर बनूंगी। शेरी, मैंने ये अलौकिक शक्ति से लिखा, आमतौर पर ये दिखेगा नहीं, लेकिन जब तुम किसी मुश्किल में होगी तो ये नजर आएगा, और मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। बचाओगे या बचाना पड़ेगा? इस साल भी युद्ध कला की प्रतियोगिता में प्रदर्शन नहीं करोगे क्या? करूंगा तो मैं ही जीतूंगा, लेकिन बस तुम मेरे सामने मत आ जाना। छोड़ो भी, मुझे सब मालूम है। अच्छा केल्विन, ये शूशान का नजारा कितना खूबसूरत है ना, ऐसा लगता है ये पानी एक आईना है। खूबसूरत तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। तुम्हारी इन्हीं बातों ने तो मेरा दिल जीता है। Thank you.
शेरी, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगी। सच तो यह है कि आपकी मदद से ये काम काफी आसान हो गया। अच्छा है जो तुम ऐसा सोचती हो, तुम्हें चुनकर मैंने कोई गलती नहीं की। कुछ ही दिनों में कुनलुन और इमाई के बीच प्रतियोगिता होगी। शीना, शेरी, तुम दोनों से मुझे काफी उम्मीदें हैं। तुम हमारे इमाई कुल का सर झुकने नहीं दोगी? बिल्कुल। देखो शीना, तुम मेरी पुरानी शिष्या हो, गुस्से और गुरूर पर काबू रखो। हर वक्त गुस्सा सिर्फ हानि करता है। यस मास्टर। जा सकती हो। जिंगहोंग, अब से तुम मुझे मास्टर बुलाओगे। इतने साल हो गए, कुछ सीखा नहीं तुमने। जिंगहोंग, ठीक है, अगली बार से वही बुलाऊंगा। तुम कैट स्पिरिट को पकड़ने गए थे, क्या इस बार तुम्हारे हाथ कुछ लगा? हमारी कोई गलती नहीं थी, हमने तो उसे पकड़ ही लिया था, लेकिन इमाई के लोग उसे जबरदस्ती ले गए। तुम उनकी तरह चतुर और चालाक नहीं हो, और खामखा मुझसे बहस कर रहे हो। जिंगहोंग, बहुत हो गया। कुनलुन इमाई की प्रतियोगिता होगी और तुम यहां के सीनियर हो। मैं नहीं जानता कि तुम ये कर पाओगे या नहीं, पर तुम कुनलुन की प्रतिष्ठा नहीं डुबाओगे। नहीं डुबाऊंगा, चलता हूं। जिंगहोंग, वक्त पे खाना खा लेना। रुको, क्या बात है, कुछ चाहिए तुमको? इतने सालों के बाद भी तुम किसी काम के नहीं, अब मास्टर की कब्र के पास जाकर अपना दुखड़ा रोते बैठोगे? कम से कम मरने के बाद तो उन्हें चैन से सोने दो। ठीक है, मां भी नहीं जाऊंगा। अरे क्यों नहीं जाऊंगा? मास्टर, वक्त निकाल के आपके पास आए जाता हूं। तो पहले कौन, आप या मैं? मास्टर, मुझे शेरी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन हमारा मिलना मुश्किल है। ये कायदे किसने बनाए? ऐसे थोड़ी होता है, इंसानियत नाम की भी तो कोई चीज होती है। आप ही को ले लीजिए, आपको भी तो एबिस से प्यार था ना, पर आप दोनों की शादी क्यों नहीं हुई? ये जाम आपके टाइप का नहीं है ना। अब मैं आपकी तरह मदिरा नहीं बना सकता हूँ मास्टर। मुझे तो डर है कि आपके जाने के बाद अच्छी मदिरा पीने को नसीब ही नहीं होगी। मास्टर, मुझे चढ़ गई है। जिंगहोंग को पता चलेगा तो फिर डांटने लगेगा। पर मैं आपसे मिलने दोबारा आऊंगा। केल्विन, हम कब तक सिर्फ यही करते रहेंगे? आपको मास्टर ने कुछ और नहीं सिखाया क्या?
अभी दिखाता हूं। इसके अलावा और कुछ नहीं है क्या? है ना? अरे ये करके बोर हो गए। बस यही करना है। केल्विन, रोज रोज यही सिखाते हो, बेवकूफ समझाए क्या? अपना मुंह बंद करो और अच्छे चलो की तरह जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। एक अच्छा योद्धा बनने के लिए एक ताकतवर नींव होना जरूरी है और उस कला के बारे में तुम में से कोई नहीं जानता। और वो क्या है? याद रहे हमें फरिश्तों ने भेजा है। दादाजी उठिए, देखिए क्या है। कर लेते हैं। शेरी, शेरी, देखा मैंने कहा था ना मैं तुम्हें हरा दूंगी। नहीं, तुमने वहां चीटिंग की थी। बस भी करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर इन्होंने देख लिया तो छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी इसलिए यहाँ पर आ गया। कैसी हो तुम? तुम पागल हो क्या? अगर शीना या मास्टर को पता चल गया तो मैं कभी मास्टर नहीं बन पाऊंगी। अब जाओ यहाँ से। तुम्हारे लिए मैं कुछ नहीं हूँ क्या? चले जाओ यहाँ से, पागल मत बनो। नहीं, तुम समझ क्यों नहीं रहे? नहीं जाऊंगा। इससे पहले कोई तुम्हें देख ले चले जाओ यहाँ से। आया हूँ तो कुछ लेके ही जाऊंगा। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे? पहले किस करो। तुम किससे बात कर रही थी? किसी से नहीं, अपने आप से। अब चलो यहां से। शुरू करें? हाँ बिल्कुल। जब से आप कुनलुन के मास्टर बने हैं तब से कुनलुन की गरिमा आसमान की बुलंदी छू रही है। आप शर्मिंदा कर रही हैं। जब हमारे मास्टर जिंदा थे तब हमारी गरिमा और भी ऊंचाई पर थी। दोनों संप्रदाय के बीच प्रतियोगिता होगी, याद रहे। इस प्रतियोगिता में किसी की भी जान मान का नुकसान ना हो। Yeah.
अफसोस, आपके मास्टर बहुत जल्दी चले गए ना? आपको अकेले ही इन शिष्यों को सिखाना पड़ गया। मैं समझ सकती हूँ उनके कमजोर होने का कारण। मास्टर ने तीनों लोगों के लिए अपना बलिदान दिया है और हमारे लिए यही बात अहम है। और वैसे भी अब हमारा लक्ष्य एक ही है, फैंटियन मिरर की रक्षा करना, ताकि तीनों लोगों में शांति कायम रहे। मास्टर दुनिया भर की रक्षा करने निकले हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा। वो ही हमारे आदर्श हैं। कुनलुन की जीत हुई। हम जीत गए। शिष्यों के बीच की कला स्पर्धा खत्म हुई, अब प्रतियोगिता में आगे बढ़ते हैं। दोनों संप्रदाय एक एक योद्धा भेजिए। मास्टर, रुको शीना, मैं जाती हूँ। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना कि हमें जीतना है, लेकिन हार गई तो तुम्हें पता है क्या होगा। हारने के लिए तैयार हो जाओ। हार जीत का फैसला बाद में होगा। तुम इतनी सीरियस क्यों? होना ही पड़ेगा ना।
जीत गया। कितना रोमांटिक है। देखा तुमने कुनलुन की दोबारा जीत हुई। वैसे मुकाबला अच्छा रहा। शेरी, तुमने आज मुझे बहुत निराश किया है। माफ कीजिए, इस हार के लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहे दे सकती हैं। मास्टर, आज शेरी की हार सिर्फ उसकी लापरवाही की वजह से हुई है। हाँ मास्टर, आज इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। शेरी, मन को काबू में रखना सीखो। मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी, मैं समझ गई। मास्टर, आज केल्विन की किस्मत अच्छी थी, इसलिए वो शेरी के हाथों से बच गया। लेकिन आप कहे तो मैं उसे सबक सिखा सकती हूँ। जरूरत नहीं मास्टर, केल्विन को हराने के लिए मुझे बस एक मौका चाहिए। नहीं मास्टर, मुझे एक और मौका देकर देखिए। तो इस बार शीना अगुवाई करेगी पीच ब्लॉसम स्पिरिट को पकड़ने में। पीच ब्लॉसम स्पिरिट? ये स्पिरिट काफी ताकतवर है। तुम लोग उसका चारा हो। जैसे ही तुम उसे ढूंढ लो, थंडर फायर का संकेत भेजो और बाकी काम तुम मुझ पर छोड़ दो। जी, इस बार हम आपको बिल्कुल निराश नहीं करेंगे। ठीक है, मैं थक गई हूं, थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। ठीक है। अरे जल्दी लाओ, कितनी देर लगा दी तुमने। सब फटाफट सर्व कर दो। तो हम क्या बोल रहे थे, इस प्रतियोगिता में केल्विन बड़ी ही आसानी से जीत गया। तो इसी खुशी में अगला जाम, हाँ, इसकी जीत जाम के नाम। हमारे जीत के नाम। चीयर्स। तुमने ये कैसे किया? इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। याद है पिछली बार कैच परेड को जाने दिया था, पर इस बार मैंने सोचा मैं साबित कर दूंगा कि मैं बेहतर हूँ। तुमने तो ना धूल चटा, तुमने तो कमाल कर दिखाया। मानते हो ना, सर्कल बनाने की कला भी बहुत जरूरी है। अब तो बोर नहीं हो गए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। केल्विन, तुमने उस पीच ब्लॉसम स्पिरिट के बारे में कुछ सोचा है? मास्टर ने हमें उसे पकड़ने के लिए कहा। हाँ, बिल्कुल। सुना है वो बहुत ताकतवर है। मुझे लगता है उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है। हाँ? एक राज की बात बताऊं? हाँ, हाँ, हाँ? देखो किसी को बताना मत। हाँ, नहीं बताएंगे। पहले जाम तो बना। मुझे भी, मुझे भी, मुझे भी डालो। चीयर्स। चीयर्स। चलो अब बताना शुरू कर दो। कहते हैं पीच ब्लॉसम स्पिरिट एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। चुप। बोलो। पीच ब्लॉसम स्पिरिट तभी बनती है जब किसी आत्मा की इच्छा अधूरी रह जाती है। वो एक डायन है जो रसीले फल के पेड़ पर रहती है और उस पेड़ से उसे एनर्जी मिलती है। वो अपने साथी का इंतजार कर रही है। कहते हैं कि उसकी आंखें हिरनी जैसी है, दूध की तरह सफेद त्वचा, बड़ी बड़ी आंखें, लाल होठ और सफेद दांत। उसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं। अरे आगे तो सुनो। वो अपनी खूबसूरती कायम रखने के लिए खून पीती है, जवान लड़कियों का खून।
सिस्टर, संकेत भेजिए। मैं इसे और देर तक नहीं रोक सकती। सिस्टर, मास्टर को संकेत भेजिए। जल्दी करो। अगर हर काम उन्हीं को करना है तो हम किस काम के? सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए। पता तो होना चाहिए, इसलिए हम भी उसको पकड़ने जाएंगे, ठीक है? चलो एक और जाम बनाओ। कौन थी वो? वो एक सपना था, वो एक सपना था। डरो मत शेरी, मैं आ रहा हूं। शेरी, शेरी, उठो, शेरी, शेरी तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। सुनो, फौरन मेरे साथ कुनलुन चलो, तुम्हारे मास्टर से मिलते हैं। केल्विन, ये जो भी कह रही हैं क्या वो सच है? क्या तुम ईमाई की शिष्या शेरी से प्रेम करते हो? नहीं, ये झूठ है। हम वहां सिर्फ उसकी मदद के लिए गए थे। शेरी, क्या ये लड़का सच कह रहा है? शीना, ठीक है मास्टर। मैं मानता हूं कि मैं शेरी को बचाने के लिए वहां गया था, लेकिन ये एक तरफा प्यार है। इन बातों से शेरी का कोई लेना देना नहीं है। हैबिस, प्लीज इसे जाने दीजिए और सजा इसे नहीं मुझे दीजिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, सारा कसूर मेरा है। क्यों शेरी, क्या ये सच कह रहा है? सच ये है कि मैं ही केल्विन से प्यार करती हूँ, सजा मुझे मिलनी चाहिए। केल्विन,
तुम कुनलुन के सीनियर शिष्य हो और तुमने ही नियमों का उल्लंघन किया है। तुमने ऐसा करके हमारे पूर्वजों का अपमान किया है और इसके लिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तुम्हें वचन लेना होगा कि आज से तुम ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। शीना, जिंदगी भर ब्रह्मचार्य पालन करूंगा, किसी स्त्री के साथ कोई संबंध नहीं रखूंगा, और अगर ऐसा किया तो जो सजा दोगे मुझे मंजूर होगी। सर, आपको मालूम है जिंग अंग्रोज बोलता है आपके पास नहीं आना चाहिए, लेकिन मैं नहीं सुनता। मैं तो रोज आऊंगा ही आऊंगा। कल रात तुमने क्या किया तुम्हें पता है?
मैं तो मास्टर के कब्र के पास था। ग्रैंड मास्टर का शव गायब है। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है। तुमने अनुशासन का पालन नहीं किया, इसलिए मास्टर ने तुम्हें कब्र की रखवाली करने की सजा दी थी, पर तुमने तो और भी बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। मुझे नहीं पता। बस बहुत हुआ। केल्विन को नजर बंद किया जाए, इसका यही दंड है। बॉन्जी, क्या तुम्हें पता है कि हमारे मास्टर यहाँ कब आने वाले हैं? मुझे कुछ नहीं पता। भाग जाओ। चलो जल्दी से मास्टर को बुलाते हैं। केल्विन, 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 उठो केल्विन, उठो। ग्रैंड मास्टर फिर से जिंदा हो गए। जिन होंग, मुझे फिर से किसी काली शक्ति ने जीवित कर दिया। पता लगाओ कि वो कौन है, वरना कोई नहीं बचेगा। केल्विन, मैं किसी और के वश में हूँ, मुझसे दूर रहो। केल्विन, मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है, यहाँ से चले जाओ। यहाँ मत आओ। केल्विन, जिन होंग,
ये काम नहीं करेगा। मास्टर, हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे जिसने भी आपका ये हाल किया है। जिन होंग, मुझे फैंटियन मिरर में कैद कर दो। नहीं, ऐसा करने से आपकी आत्मा नष्ट हो जाएगी और आपका दोबारा जन्म नहीं होगा। यही तरीका है कुनलुन और सबको बचाने का। नहीं मास्टर, मैं ये नहीं कर सकता। जिन होंग, जिंग होंग, हमें समझाने की जरूरत नहीं, हमें सब पता है। शेरी, जिंग होंग, आपके मास्टर काफी ताकतवर हैं। उन्हें ज्यादा समय के लिए रोक नहीं पाऊंगी, फैंटियन मिरर में कैद करो। जिंग होंग, नहीं, ऐसा किया तो मास्टर नष्ट हो जाएंगे। जिंग होंग, सोचने का समय नहीं, कुनलुन के लिए यही सही है। जिन होंग, ज्यादा सोचो मत, मुझे जल्दी से कैद करो। नहीं जिंग होंग। एबिस, जिंग होंग को बचाओ। जिंग होंग, इतना मत सोचो, फैंटियन मिरर का इस्तेमाल करो। जिंग होंग, ऐसा मत करो, वो हमारे मास्टर है। केल्विन, तुम अब तक जिन होंग की आज्ञा का पालन नहीं करते। मास्टर, मत जाइए। तुम जब भी मेरे कब्र के सामने आकर कुछ कहते, मैं वो सारी बातें सुनता। मुझे पता है कि अब दोबारा ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस बात की उम्मीद करता हूं कि भविष्य में तुम जिन होंग की मदद करोगे, ठीक वैसे ही जैसे पहले किया करते थे। मास्टर, 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 ऐसा क्यों किया?
ये सारा का सारा खेल मैंने ही रचा था। मैंने ही काले जादू की विद्या से तुम्हारे मास्टर को भी दोबारा जीवित किया, सिर्फ तुम्हारे फैंटियन मिरर को पाने के लिए। मैंने तुम्हारे मास्टर से ये सब करवाया। डीमन स्टोन में कैद बुरी शक्तियों को तुम्हारे फैंटियन की अलौकिक शक्ति से मिलाकर मैं काली दुनिया पर हमेशा के लिए राज करूंगी। मास्टर, आप ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं। शेरी, धरती और पाताल को एक करने के बाद तुम एमए की मास्टर बन जाओगी। अगर तुम यहीं पर रुक गई तो तुम भी कुनलुन के साथ खत्म हो जाओगी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। जिंगहोंग, ध्यान से सुनो। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो। कुनलुन को अब तुम्हें संभालना होगा केल्विन। जिंगहोंग, मैं नहीं संभाल पाऊंगा। तुम्हें ये करना होगा। और मैं नहीं चाहता कि मास्टर की तरह हमारा इस्तेमाल हो। वचन दो, वचन दो। मैं वचन देता हूं। चिंगो, नहीं, नहीं। मास्टर, मास्टर, चिंगो। केल्विन, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी संभालनी होगी। मास्टर को खत्म कर दिया, चिंगहोंग भी चला गया। अब मैं क्या करूंगा? हिम्मत मत हारो, तुम्हें कुनलुन को बचाना है। और ये भी मत भूलो कि फैंटन मिरर हासिल करना है। तुम तो कुछ नहीं कर सकते। तुम एक नंबर के कायर हो केल्विन। मैं तुम्हारे बारे में गलत सोचती थी। तुमने अपने मास्टर से वादा किया है कि तुम हर हाल में इंसानियत की रक्षा करोगे, तुम कुनलुन के लिए बलिदान दोगे। अब फैंटन मिरर मैं वापस लाऊंगी, चाहे ये काम करने में मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। केल्विन, केल्विन चलो, जाने दो से। चलो केल्विन, चलो केल्विन। मुझे रोक कर तो दिखाओ। हमने देर कर दी, वो शैतान आजाद हो गया। अब हम क्या करेंगे? वो हम सबको मार डालेगा। क्या हुआ, मौत से डर रहे हो क्या? बिल्कुल नहीं। आपस में मत लड़ो। तो कुनलुन के साथियों, मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे? हाँ। तो आगे बढ़ो, हमें मास्टर और ग्रैंड मास्टर की मौत का बदला लेना है। बदला, 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 बदला। ये फैसला सिर्फ कुनलुन का मास्टर लेगा।
मुझे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। अब मैं कुनलुन की रक्षा करूंगा। तुम सब कुनलुन की रक्षा करोगे? हाँ। मेरी आज्ञा का पालन करते हुए दुश्मनों को हराने में हर वक्त मेरा साथ दोगे? यस मास्टर। तुम भी तैयार हो जाओ साथियों। तैयार है। हमें शैतानी ताकत को खत्म करना है, मासूमों को बचाना है। जरूर। क्या तुम्हें इससे मिलना है? मास्टर, मास्टर, मास्टर उठिए, मास्टर, मास्टर। जानती हो मैंने जिंदगी में इमाई को ताकतवर बनाने और कुनलुन को हराने की कोशिश की, लेकिन अपने इसी पागलपन में मुझसे एक बहुत बड़ी भूल हो गई। शेरी, फैंटियन मिरर वापस हासिल करो और इन असुरों का नाश करो। दुनिया में न कुनलुन रहेगा और ना इमाई। सब इसको फैंटियन मिरर मेरे हवाले कर दो, मुझे मजबूर मत करो। फैंटियन मिरर, अगर हिम्मत है तो इसे हासिल करो। अब्दा देखो, अपनी आंखों से देखो, अपने शिष्यों को तड़पते हुए मरते हुए। हट जाओ।
डायरी मैंने ये अलौकिक शक्ति से लिखा है। आमतौर पर यह दिखेगा नहीं, लेकिन जब तुम किसी मुश्किल में होगी तो ये नजर आएगा और मैं तुरंत तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। बचाओगे या बचाना पड़ेगा? अच्छा केल्विन, ये शमशान का नजारा कितना खूबसूरत है ना, ऐसा लगता है ये पानी एक आईना है।咱们还要瞒到什么时候？等你当了昆仑的掌门吧。तुम दोनों ठीक हो ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही थी। बहुत जोर का मुक्का मारा पर इस माने छू तो लिया। कुनलुन के केल्विन ने ज़बिस्को को अपनी सूझबूझ से कैद किया और पूरी दुनिया की रक्षा की। आज धरती और आकाश को साक्षी मानकर
कुनलुन के नए मास्टर केल्विन है। आज से इन्हें पूरी निष्ठा के साथ इस दुनिया को सुरक्षित रखना है ताकि दुनिया में शांति कायम रह सके। देखो ना ये नजारा कितना खूबसूरत है। हाँ पर तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं।